नमस्ते दर्शकों, आप सबको हमारा चैनल इंडियन मिथोलॉजी के देश में स्वागत है। आज मैं आपको मकर चोर की एक कहानी सुनाऊंगा, तो बने हैं हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। कृष्णा जिस गांव में रहते थे, गोपाल गोपालों और पशुपालकों की भूमि थी, इसलिए गांव में दूध दही और मक्खन की कमी नहीं होती थी। श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था और अपनी माँ से या गांव के किसी भी माँ से मक्खन चुराने का मौका नहीं छोड़ते। गांव की सभी माताओं को कृष्णा का मक्खन चुराना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वे इतना सारा मक्खन बनाते, लेकिन कृष्णा सब कुछ खा जाते थे। सभी बहुत परेशान थी। गांव की सभी औरतों ने मक्खन के बर्तन को घर के अंदर ऊंचाई में बांध देते ताकि कृष्णा और उसके दोस्त वहां तक ना पहुंच सके। धीरे धीरे गांव के सभी माताओं ने कुछ इस तरह से मक्खन छुपाना शुरू कर दिया, लेकिन कृष्णा को कौन रोक सकता है? वो तो बहुत त्यागी थे। कृष्णा को जब ये पता चला कि गांव की सभी औरतों ने मक्खन को घर के अंदर ऊंचाई में छुपा दिया, तो कृष्णा को एक युक्ति सूझी। कृष्णा ने अपने दोस्ते के ऊपर चढ़कर मिट्टी के बर्तन में जो मक्खन था उसे तोड़कर अपने साथियों के साथ मक्खन खा लेते थे। ऐसे करते करते उन्होंने फिर से गांव के सभी घरों में से ज्यादा मक्खन खा लिया। एक बार ऐसे ही जब कृष्णा छोटे थे, वे गोपियों को देखते थे कि वे मक्खन का बर्तन साफ कर रहे थे। उन्होंने देखा गोपियां मिट्टी के साथ उस बर्तन को साफ कर देती थी। वो सोचने लगे कि मक्खन के साथ मिट्टी खाना भी जरूरी है, इसलिए उन्होंने मक्खन खाकर अपने मुंह में इतना सारा मिट्टी भर लिया। जब उनके भाई बलराम ने ये देखा, फिर कृष्णा ने अपना मुंह मिट्टी से भर लिया, तो बलराम भाग के नंद बाबा और माँ यशोदा के पास थे और उन्हें बोला कि देखो देखो, कृष्णा ने मुंह में मिट्टी भर लिया। माता यशोदा और नंद बाबा भाग कर कृष्णा के पास थे और कृष्णा को मुंह खोलने के लिए बोला। तब कृष्णा ने अपना मुंह खोला और फिर माता यशोदा ने कृष्णा के मुंह में ब्रह्मांड देखा स्पष्ट रूप से। माता यशोदा को ये देखकर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उनके नंद से कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड कैसे रहता है। मैया यशोदा बेहोश होने वाले थे कि तभी उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो कृष्णा के मुंह में कुछ भी नहीं था और कृष्णा अपनी माता को देखकर हंस रहे थे। दर्शकों, ऐसे ही कई अद्भुत चमत्कारी घटनाएं घटी थी कृष्णा के जीवन में, क्योंकि हमारे बाल गोपाल को शरारत करना बहुत अच्छा लगता था।
तो इसी के साथ इन तीन मित्रों जोशी के देश के तरफ से आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सब पर बाल गोपाल की कृपा हमेशा बने रहे। जय श्री कृष्ण।